फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरे बबलीज ब्यूटीफुल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है मेरा नाग चंपा का प्लांट, जिसे हमने लगभग 2-2.5 साल पहले इस छोटे से बकेट में लगाया था। और आज हम इसको रिपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसके रूट्स बाउंड हो चुके हैं। ये देखिए, पूरा रूट से भर चुका है। फ्लावरिंग तो इस पर अभी भी कंटिन्यू हो रही है, लेकिन इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आज यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा हो चुका है, तो अब ये भी डर है कि कहीं तेज़ हवा से ये टूट के या गिर ना जाए, तो इसलिए भी आज हम इसको बड़े एक बकेट में शिफ्ट कर रहे हैं। और नागचंपा अपने आप में बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। फ्लावर भी बहुत सुंदर होते हैं देखने में। तो ये देखिए किस तरह से ये पूरा फंस गया है, और इसको ये देखिए पूरा रूट से भर गया है। तो पहले ही हमने इस बकेट में नीचे मिट्टी और जो भी हमारा किचन का वेस्टेज है और जो भी मेरे गार्डन के सूखे पत्ते और सब्जी के जो भी वेस्टेज है वो सब इसमें डाल दिया है नीचे है। और उसके बाद उस हमने मिट्टी को, जो गमले की मिट्टी है उसको डाल दिया है। और अब इसको हमने देखिए इस तरह से ये लगा दिया। इसी तरह मेरे हस्बैंड जितने भी प्लांट्स हैं इसी तरह सारे रिपोर्ट करते हैं। तो अब ये इसका जो बचा हुआ थोड़ा सा सॉइल है वो भी इसमें डाल देंगे। और नागचंपा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, समर और विंटर दोनों में ही हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसने की है। हवा बहुत ज़्यादा ही चल रही है और ये देखिए अभी भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग मेरे इस प्लांट पर हो रही है। तो मैंने अपने सभी बड़े बड़े प्लांट्स को एक साइड में रखा है और उनके आसपास सभी छोटे प्लांट्स को रखा है ताकि धूप से हम उनको बचा सकें, और बड़े प्लांट्स की जो शेड है वो उन पर पड़ती है तो मेरे छोटे छोटे प्लांट्स उससे थोड़ा बच जाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर ये एक ट्री की तरह हो गया है, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए ये सॉइल जो इससे निकली हुई थी गमले की पुरानी, तो इसको भी इसमें अब डाल देंगे जिसमें किचन का वेस्टेज सारा। और ये देखिए इसमें ये पता नहीं क्या क्या रूट्स ये निकल रहे हैं, ये सदाबहार विनका पता भी नहीं चल रहा है, ये कौन सा प्लांट है ये भी नहीं पता चल रहा है। और ये देखिए इसमें मूंगफली के कितने सारे छिलके, जो कि मैंने बताया था विंटर में कि गिलहरियों ने इसी प्लांट को खोद खोद कर बहुत परेशान किया था। ये देखिए सब इसी का बचा हुआ जो भी ये सॉइल था इसमें डाल दिया और ये अब पूरी तरह से सेट हो जाएगा और इसको लगा दिया है। अब इस बकेट को हम पेंट कर देंगे तो बहुत ही सुंदर ये बन जाएगा। और क्योंकि अभी लगाना ज़रूरी था और अभी प्रिपेयर नहीं करा था इससे पहले, तो बड़े बड़े जो भी प्लांट हैं अगर आप इसको किसी बड़े बड़े बकेट में लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। तो बस अब मुझे इस बकेट को पेंट करना है सुंदर से। और ये देखिए इसका ये तना स्टैम जो है कितना मोटा सा हो गया है और एक ट्री की तरह बिल्कुल लग रहा है। ये देखिए कितना ये बड़ा हो गया है मेरा प्लांट और बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए दूर से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा कितना एकदम बशी टाइप का हो गया है, प्लांट ही लग रहा है वो, सॉरी ट्री की तरह ही लग रहा है ये। तो आज ज़रूरी था इसको हमें रिपोर्ट करना। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो नागचंपा भी बहुत अच्छा प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस वाटरिंग का ही ध्यान रखें और वाटरिंग कंटिन्यू करें, बाकी आपके यहाँ जो भी किचन का वेस्टेज होता है वही आप दें तो उससे भी अच्छे से चल जाएगा, जैसे कि हमारे यहाँ देखें। और लगभग अभी 1-1.5 महीने पहले इतनी फ्लावरिंग इस प्लांट पर हुई है कि पूरा ही ये मतलब वाइट फूलों से भरा हुआ था लगभग पूरा ही। तो बस अभी फ़िलहाल 10-15 दिन से इस पर ये फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और फिर मेरे यहाँ ये टेरेस पर है जहाँ अभी 46 टेम्परेचर लगभग है, तो बहुत
कहना मतलब ये कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये प्लांट्स यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, कोटा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। और इसीलिए हम अपने जो भी मेरे अच्छे प्लांट्स हैं उनको रिपोर्ट कर करके नीचे रख रहे हैं ताकि वो बच सकें। और बहुत मेहनत लगी है इनको इतना बड़ा करने में, और इसलिए हम भी नहीं चाहते कि ये हमारे यहाँ से जाएं। तो सभी प्लांट्स में जो ये इतने बड़े बड़े प्लांट्स हुए हैं, तो बस अब इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसको रिपोर्ट कर दिया है। ये देखिए बहुत सुंदर प्लांट हैं। तो नागचंपा के बारे में मैंने आपको बताया, आप भी अपने यहाँ नागचंपा ज़रूर लगाएं, बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लावर, कंटिन्यू फ्लावरिंग देता है, ज़्यादा मेहनत खाद पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।